महू ओमकारेश्वर मीटर गेज जो आज हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का एक हिस्सा बन गई। और इसी के साथ आज 146 साल पुराने सफ़र का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो गया। दोस्तों, आज जनवरी 2023 के अंत के साथ साथ अकोला रतलम रेल लाइन के महू ओमकारेश्वर मीटर गेज सेक्शन को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक मीटर गेज रेल लाइन, जो कि कभी अजमेर से काचीगुड़ा के बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी, उसको आज गॉज कन्वर्जन के चलते बंद कर दिया गया। आज इस रूट पर कोई भी हिस्सा मीटर गेज की ट्रेनों के लिए नहीं बचा है। दोस्तों, वर्तमान में अकोला रतलाम रेल लाइन के रतलाम से महू और सनावत से अकोला तक के सेक्शन को तो ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है, किंतु अभी तक महू से ओमकारेश्वर के रूट को नहीं किया गया था। आज ये रूट हमेशा हमेशा के लिए मीटर गेज की ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया। भविष्य में इस रूट पर भी हमें ब्रॉड गेज की डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। आज से करीब 3-4 दशक पूर्व शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि इतने लंबे व्यापक पैमाने पर फैले हुए इस मीटर गेज के रूट का अंत इस तरह होगा। दशकों तक मीटर गेज के बाईपी और वाईडीएम क्लास के लोकोमोटिव्स का गढ़ रहा ये सेक्शन आज हमेशा हमेशा के लिए वीरान हो गया। दोस्तों, आज आखिरी बार सेंट्रल इंडिया में मीटर गेज के YDM4 ने हुंकार भरी और आज ये YDM4 इस ट्रेन के ऐतिहासिक आखिरी रन में इसके साथ रहा। आज आखिरी बार नर्मदा नदी पर बने हुए उस विशाल कैट्रस ब्रिज पर कोई मीटर गेज की पैसेंजर ट्रेन दौड़ी और आज चोरल की वादियों में आखिरी बार YDM4 का हॉर्न गूंजा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम ही है। कुछ परिवर्तन तो हमारे भले के लिए होते हैं, किंतु पुरानी चीज़ें हमारे दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर रह जाती हैं। सेम ऐसा ही केस आज मीटर गेज के साथ हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि सन 1940 के दशक में मीटर गेज भारतीय रेलवे में एक व्यापक पैमाने पर फैली हुई थी, किंतु आज मीटर गेज भारत के हर एक कोने से सिमटती हुई जा रही है। विकास की इस तेज रेस में भारतीय रेलवे को अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। शायद ही भारतीय रेलवे कोई एक ऐसा रूट रखे जिस पर वो तेज रफ्तार से मीटर गेज ट्रेनों को संचालन कर सके, किंतु आज विकास की इस तेज रेस में भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास को तो मानो खो ही दिया है। दोस्तों, शायद ही भारतीय रेलवे महू से कालाकुंड के घाट सेक्शन में हेरिटेज ट्रेन का संचालन सुचारू रूप से रखे। इसके बारे में पश्चिम रेलवे की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।